नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश के नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल का नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट से जिसने इजराइल तो इजराइल अमेरिका के भी होश फाख्ता कर दिए हैं। रिपोर्ट भी किसी और ने नहीं, अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी एजेंसी ने दी। रिपोर्ट यह है कि हमास ने गाजा के मलबे में मौत की भट्टी जला रखी है, एक ऐसी भट्टी जहां इजराइल के जितने भी सैनिक जाएंगे जान से हाथ धो बैठेंगे, ये यकीनन यहां पर तय माना जा रहा है। हमास के आखिर ये किस किलर जोन की बात हम यहां पर कर रहे हैं, आखिर वो किलर जोन है क्या, इसे जान लेना बेहद जरूरी है क्योंकि ये किलर जोन बहुत ही जानलेवा है। गाजा में घुसे इजराइल के कमांडो किसके निशाने पर हैं? इनके एक एक मूवमेंट पर उनकी नजर है। ये जहां भी जाते हैं उनके टारगेट पर रहते हैं। ये यहां जो कुछ करते हैं उनकी मर्जी से करते हैं। दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट और मिनट के 60 सेकंड, ये उनके निशाने पर हैं। ऐसा सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल सेना के साथ ही नहीं है, इनके टैंक भी टारगेट पर हैं। गाजा में घुसे एक एक टैंक की हलचल उनके इशारे पर हो रही है। ये इजराइल के दोस्त नहीं, उनके जानी दुश्मन हैं। अब सवाल है कि अगर ये दुश्मन है तो गोली क्यों नहीं चला रहे हैं, इनको मौत के घाट क्यों नहीं उतार रहे, आखिर इनको अपने इलाके में और अंदर तक क्यों आने दे रहे हैं? जवाब है, हमास ने गाजा में मौत का जाल बिछा रखा है। ये जाल हवाई हमले में बर्बाद हुई इमारतों के मलबे में बनाया गया है। दावा है कि इस मलबे में ही हमास ने इजराइल के सैनिकों के लिए किल जोन बना रखा है। किल जोन भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा जैसा, एक ऐसा किल जोन जहां जो आएगा मारा जाएगा। दावा है कि इस जाल की तरफ बढ़ते इजरायली सैनिकों के एक एक कदम मौत के और करीब ला रहे हैं, क्योंकि इस किल जोन में हमास ने सैकड़ों स्नाइपर छिपा रखे हैं। चौंक गया ना ये सुनकर, ये खुफिया रिपोर्ट ही चौंकाने वाली है। दावा है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करने घुसी सेना के ये एक एक कदम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमास की एक खुफिया वार प्लान लीक हुई है। इस प्लान में इजराइल के सैनिकों को मौत के जाल में फंसाने वाली उनकी खौफनाक रणनीति का पता चलता है। इस रणनीति में सिर्फ इजराइल के सैनिकों के लिए ही मौत का जाल नहीं बिछाया गया है, इजराइल के टैंकों को तबाह करने का खुफिया इंतजाम किया गया है। खुफिया रिपोर्ट की माने तो हमास ने हवाई हमले के मलबे के नीचे विस्फोटक छुपा रखा है, जिसका इस्तेमाल हमास इजराइल की टैंकों को उड़ाने के लिए कर सकता है। जब भी टैंक मलबे के करीब से गुजरेंगे, मलबे में जमा बारूद में विस्फोट होगा और आसपास मौजूद सैनिक से लेकर टैंक तक सब कुछ जल कर खाक हो जाएगा। सवाल है, क्या ये सच में होने वाला है? अगर होने वाला है तो कब होने वाला है, कैसे होने वाला है? अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विश्लेषकों की माने तो इजराइल के हवाई हमले ही उनकी जान के दुश्मन बनने वाले हैं। इजराइल
गाजा में जहां जहां भी बम गिरा रहा है वहां हमास मौत का कुआं खोद रहा है। इसराइल जिस भी इमारत को तबाह कर रहा है उसे हमास किल जोन में बदलता जा रहा है। एक ऐसा किल जोन जहां कदम रखते ही इजरायली सैनिकों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि आईडीएफ के सैनिकों पर हमला करने से पहले हमास छुपने के लिए भूमिगत सुरंगों के साथ साथ मलबे के ढेर का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जमीन पर मौजूद इजरायली सैनिकों को हमास अपने किल जोन में खींच रहा है। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि आईडीएफ के सैनिकों पर हमला करने से पहले हमास छुपने के लिए भूमिगत सुरंगों के साथ साथ मलबे के ढेर का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जमीन पर मौजूद इजरायली सैनिकों को हमास अपने किल जोन में खींच रहा है। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विश्लेषकों ने दावा किया है कि गाजा में बिखरा पड़ा इमारतों का मलबा हमास के स्नाइपरों के लिए एक अभेद कवर देने वाला है जिसका इस्तेमाल कर हमास के स्नाइपर इजरायल के सैनिकों के लिए काल बन सकते हैं। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की माने तो गाजा में बिखरा मलबा इजरायल की ग्राउंड ऑपरेशन वाले मिशन को कमजोर कर सकता है क्योंकि हमास के स्नाइपरों के मलबे में छिपे होने के चलते इजरायली सैनिकों के लिए जमीन पर नेविगेट करना मुश्किल हो जाएगा और ये हमास के लिए फायदेमंद साबित होगा क्योंकि हमास ने गाजा में एक नहीं सैकड़ों किल जोन बना रखे हैं जिसकी झलक इस सैटेलाइट तस्वीर में दिख जाती है। सीमा पर मौजूद दीवार को पार कर इजरायल की सेना जैसे जैसे गाजा में अंदर दाखिल हो रही है वो हमास के बनाए किल जोन के और करीब पहुंचती जा रही है। सैटेलाइट तस्वीर में पीले रंग के जो तीर के निशान बने हैं वो इजरायल के सैनिकों के गाजा में दाखिल होने वाले रास्ते हैं। लेकिन अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की माने तो ये रास्ते इजरायल के सैनिकों को हमास के किल जोन की तरफ ले जा रहे हैं। किल जोन नंबर एक, किल जोन नंबर दो, किल जोन नंबर तीन, किल जोन नंबर चार, किल जोन नंबर पांच, किल जोन नंबर छह, किल जोन नंबर सात, किल जोन नंबर आठ, किल जोन नंबर नौ, किल जोन नंबर दस, किल जोन नंबर ग्यारह, किल जोन नंबर बारह, किल जोन नंबर तेरह, किल जोन नंबर चौदह, किल जोन नंबर पंद्रह। इसराइल ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में इसराइल ने हमास के 450 ठिकानों पर लड़ाकू विमानों से हमला किया है। ऐसे में अगर अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की माने तो इसराइल ने पिछले 24 घंटे में ही हमास को 450 किल जोन बनाने का मौका दे दिया है। गाजा के नक्शे में आप देखेंगे उत्तरी इलाका जहां इस वक्त इसराइल की सेना मौजूद है उसने उत्तरी छोर से आगे बढ़ते हुए कई किलोमीटर दक्षिण तक ऑपरेशन चलाया हुआ है। वहीं इसराइल की सेना ने दूसरा मोर्चा उत्तरी छोर से 10 किलोमीटर नीचे खोला और यहां से उसकी सेना गाजा को चीरते हुए भूमध्य सागर तक पहुंच गए। यानी अब उत्तरी गाजा दक्षिणी गाजा से पूरी तरह से कट चुका है। बीच में इसराइल की फोर्स है और अब सबसे ज्यादा आबादी वाला उत्तरी गाजा पूरी तरह से घिर चुका है। यहीं पर गाजा के बड़े अस्पताल हैं जैसे अल शिफा अस्पताल, अल कुद्स अस्पताल और एक इंडोनेशियाई हॉस्पिटल भी है। ये वो जगह है जहां पर हजारों लोगों ने आसरा लिया हुआ है। यानी अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विश्लेषकों के मुताबिक गाजा की धरती पर बिखरे मलबे में हमास की सेना जमी हुई है। इस मलबे वाले इलाके में अगर इसराइल की सेना घुसी तो उसका सामना हमास के स्नाइपरों से होगा। इसराइल की सेना अपने मरकावा टैंक के साथ गाजा में दाखिल हो रही है। इसराइल का मरकावा दुनिया के सबसे सीक्रेट टैंक के रूप में पहचाना जाता है जिस टैंक के खिलाफ अचूक माने जाने वाली मिसाइल भी नाकाम हो जाती है। लेकिन गाजा का दावा है कि वो इन टैंकों को भी फोड़ सकता है। हमास की इस तैयारी को देखिए, ये तैयारी गाजा में स्ट्रीट फाइट के लिए हो रही है।
इसराइल की फौज जब गाजा के बीचों बीच पहुंचने की कोशिश करेगी तो उसके सामने इस तरह का चैलेंज होगा। गाजा में हमास के लड़ाके मुकाबला करने को तैयार मिलेंगे। हमास के स्नाइपरों का सबसे बड़ा मददगार हमास के हथियार बनने वाले हैं। उसका गोरिल्ला युद्ध कौशल रहने वाला है। इसराइल की सेना के लिए सबसे खतरनाक फ्रंट गाजा की संतरी गलियां बनने वाली हैं, क्योंकि वो लड़ाई गाजा के मोहल्लों में होगी, गाजा के चौक पर होगी। कमरों से गोलियां दागी जाएंगी, सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां मोर्चा संभाल लेंगी, एंटी टैंक मिसाइलों से बारूद बरसाएंगी, हैवी मशीन गन दनादन चलेंगी। सबसे असरदार हथियार हमास के पास एंटी टैंक मिसाइल है। ये मिसाइलें मरकावा पर मौत बनकर बरसेंगे और मरकावा धुआं धुआं हो जाएगा। अगर ये हमला गोरिल्ला वॉर के तौर पर हुआ तो गाजा में भी यूक्रेन के मारियोपोल जैसी तस्वीर देखने को मिल सकती है। गाजा की इमारतों में स्नाइपर छुपे हैं। गाजा की इमारतों के मलबे में मौजूद ये स्नाइपर इसराइल के सैनिकों के लिए यमराज साबित हो सकते हैं। गाजा की जो सबसे नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि गाजा का ज्यादातर हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन खौफिया रिपोर्ट की माने तो इसी खंडहर में इसराइल की सेना को खंड खंड करने का खतरनाक प्लान तैयार है।